अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये देखें, ये मैंने पहले भी आपको दिखाया था। मैंने कहा जाते जाते, फिर कल मैंने चले जाना मामी के पास। और ये पौधे हैं, ये देखें, ये सारे मेरे भतीजे ने सेट किए हुए हैं। आज ऊपर नहीं जा सकती, टांगों में वैसे ही दर्द है बहुत। तो ये चीज़ भी उसने बनाई है। ये अभी जो नीचे वाला कारपेट है ना, ये दीवारों के साथ लगाना है। ये साइड वाली दीवार के साथ लग जाएगा ना तो सही लग जाएगा। फिर तो आवाज़ मोटर की आ रही होगी, मोटर अभी बाजी ने बंद की है। तो मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको, कितनी अच्छी जगह बनाई है। इंजीनियर है ना, इसलिए हर चीज़ बनाता रहता है। बहू मेरी काली चली गई है, ये बर्तन धुले पड़े हैं। ये अब मेरा और भाई का, बाजी का और मेरे बेटे का नाश्ता बन रहा है। ये देखें, मेरी बाजी नॉन स्टिक भी इस्तेमाल करती है और हांडी भी इस्तेमाल करती है। हर चीज़ इस्तेमाल करती है। जायके बहुत हैं खाने में, हम नहीं पका सकते। हम तो इनके किचन में घुसते भी डर के हैं। तो ये देखें, ये आलू पालक का सालन है, ये तुराई का सालन है, ये अंडे हैं। आज तो फिर मज़े मज़े का नाश्ता, ये खाते हैं मेरा भतीजा। उसको ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये ऑन है, ये नमक मिर्च मसाले हैं। फ्रिज है, फ्रिज बाहर ही रहता है क्योंकि अंदर तो जगह नहीं आपके सामने है। तो ये सेटिंग रूम अभी बनाना है, सेट करना है। आपको पता है कमरे सेट करते करते इधर सोफे लगाने हैं, या LCD लगी है। ये आपको आज मैं दिखाती हूँ कि सेटअप कैसे हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, खाली कमरा आपको दिखाया था। आइए देखें कमरा, ये सेट हो गया। ये डबल बेड सेट हुआ पड़ा। अभी चादर बाजी ने बिछाई नहीं है, बस थक जाती हैं घर के काम सारे। सफाई वाली बच्ची तो आती है, सफाई कर जाती है। ये ड्रेसिंग टेबल सेट हुआ है, भाई ने शीशा भी नहीं यहाँ डलवा दिया। तो ये खिड़की है, ये इसका ये डिज़ाइन बना हुआ है। तो इधर सिंगल पलंग इस करते हैं, बेटियां आती हैं, बच्चे आते हैं, फिर सोने की तंगी होती है, इसलिए सिंगल पलंग भी लिए। बाजी के अपने ही हैं, कब के हैं, तो ठीक करा के इधर रखे हुए हैं। सामने ये वाली दीवार बनाई है और साइडों में ये वाली है। आप बताइएगा मुझे कैसे लगे। तो चलें फिर नाश्ते पर मिलते हैं। नाश्ते के बाद फिर मैं आपको बाहर का विज़िट करवाती हूँ। ये देखें नाज़रीन, इधर मुल्तान में बहुत बारिश हो रही है और बर्फ़ पड़ रही है। ये देखें ज़रा, मरी बना हुआ मुल्तान। ये देखें, ये सामने ग्राउंड है मेरे भाई के साथ। ये देखें, बेटा मेरा बहू को लेने गाड़ी में एकदम ही। सारी बर्फ पड़ रही है, बाहर निकला नहीं जा रहा, बर्फ बड़ी पड़ रही है।
माशाल्लाह माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो गया। बस अल्लाह ताला हर तरफ अपनी रहमत रखे और गर्म नवाजियाँ रखे, अल्लाह ताला कोई नुकसान ना दे, अल्लाह सबके बच्चों को अपने इज्जमान में रखे, मेरे बच्चों को भी रखे, कराची वालों को, पिंडी वालों को, सबको। जी नाजरीन, ये आ गई हमारी चाय और बिजली गई हुई है, बारिश बहुत हो रही है, आपको मैंने दिखाया बर्फबारी हो रही है। और ये मेरी चाय है, ये मेरी चाय की गोली है कैंडल ये मेरी बाजी की चाय है, देखें कितनी कम पीती हैं, खाती पीती भी कम है, हैं। और ये मेरे भाई की है, थोड़ी थोड़ी पीते हैं लेकिन मैं मक्का भर के पीती हूँ, बाजी मेरी को भी गुस्सा आ जाता बहुत, लेकिन प्यारी बहुत है, प्यार बहुत करती हैं। गुस्सा मैंने कहा चाय भी 5 बजे पियेंगे, कहती गैस नहीं है अभी, बन गई है पी लो। और आप सुनाएं मेरे बहन भाई बेटा बेटियां सब खैरियत से हैं, उम्मीद करती होंगे अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारे खरगोशों का भी नुकसान हो गया, 4 खरगोश मर गए हैं। कहाँ पे हो? तो हाँ जी, ज़रा कैमरा बंद हो गया था। और मेरे बेटा बेटियां सब, बहन भाई सब कैसे हैं? सब ठीक हैं, अल्लाह के मान में होंगे। बारिश बहुत हो रही है, बस दुआ करें हर तरफ अल्लाह ताला अपनी रहमत और खैरियत रखे। चलें जी चाय पीते हैं, तो बिजली तो है नहीं कि बाद में भी बात हो सके। इसी अच्छी बात के साथ खरगोश भी हमारे फ़ोन आया था, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं 4 खरगोश, तो बस दुआ कीजिएगा। तो कल मैं इंशाल्लाह सफ़र में होंगी, सफ़र में मेरे साथ रहिएगा, किसी अच्छी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी। अल्लाह हाफिज़।